दोस्तों रिसेंटली एक डायलॉग के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि तीन ऐसी चीजें हैं जो भारत के खिलाफ गईं और आज तक भारत को नुकसान पहुंचा रही हैं। पहला है पार्टीशन। पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलग हो जाने से भारत को जियोग्राफिकल टर्म्स के अलावा ट्रेड के टर्म्स में भी भारी नुकसान पहुंचा। वेस्ट में जहां हमने सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी खो दी, वहीं ईस्ट में भारत के बंगाल ने अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री खोई। दूसरा, न्यूक्लियर टेस्ट में देरी, क्योंकि अगर भारत के पास न्यूक्लियर डिटेरेंस की क्षमता पहले ही होती तो 1962 सिनो इंडियन वॉर को अवॉइड करने के साथ साथ अक्साई चिन और पीओके को भी बचाया जा सकता था। तीसरा है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। आज हमारा चाइना से इकोनॉमिकली पीछे होने के सबसे बड़े कारणों में से एक एलपीजी रिफॉर्म्स का इतना लेट इंप्लीमेंट होना है। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की पहली वेव ने एशिया की तरफ रुख किया तो भारत की क्लोज्ड इकोनॉमी का फायदा उठाते हुए चाइना ने उस वेव को खुले हाथों से एक्सेप्ट किया। दोस्तों क्या आपको लगता है कि इन तीनों इवेंट्स के अलावा और भी कोई ऐसा इवेंट था जो भारत की आज की स्थिति के लिए रिस्पॉन्सिबल है?